हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है कचरी की सब्ज़ी, जो खाने में टेस्टी और खट्टी मीठी बनती है। इसे हरियाणा में काचर और राजस्थान में ककड़ी या काकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ककड़ी की सब्ज़ी बनाना। सबसे पहले हम एक बड़ी कचरी लेंगे और उसको छील लेंगे। सारे छिलके उतारने के बाद कचरी को इस तरीके से काट लेंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इन टुकड़ों को आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े भी काट सकते हैं। आज का हमारा सब्ज़ी का मसाला है लाल मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तेज़पत्ता, दालचीनी और कसूरी मेथी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और एक चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम दो कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ब्राउन होने तक। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसे पका लेंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से पकने के बाद इसमें हम कचरी के टुकड़े डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक तेज़ पत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक और कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करने हैं। और अब हम हमारी सब्ज़ी को 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और बीच में एक बार इस तरह से ढक्कन हटाकर सब्ज़ी को चेक कर लेंगे। दस मिनट बाद हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट में हमारी सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारी कचरी की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।